सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज है संडे और आज है 12 मार्च। यस, और सुबह सुबह काम चल रहा है गाड़ी धोने का। मन्नू पता है क्या किया आज मन्नू ने? मैं सोई हुई थी, 7 बजे के आसपास आया और मुझे बोलता है कि ना मामा, मैं खेलने जा रहा हूँ, पहले मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा ऊपर बड़े पापा के पास, क्योंकि उसके बिग पापा बोल रहे थे तो मोटा होता था, एक्सरसाइज कर लिया कर। लेकिन गया नहीं ऊपर और खेलने चला गया। मुझे उसको ढूंढ, अब बज चुके हैं 9, तो 7 बजे से लेके 9 बज चुके हैं, आप उसको ढूंढने जाना पड़ेगा कि वो खेल कहाँ रहा है। 2 घंटे हो गए, बच्चा घर से गायब है तो देखना तो बनता ही है ना। तो फटाफट से मैं उसको ढूंढ के आती हूँ, किसी पार्क वार्क में होगा और घर के काम करने हैं, फिर मेरी आंटी भी आ जाएगी। देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनता है। तो मैं मेहुल को देख के आई हूँ, पार्क में खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल, और अभी लेने आई हूँ मैं दूध, ये दूध वालों का घर है, फिर जाती हूँ घर। और तेरे को भूख नहीं लगती? कितने बजे उठा था तू? 6:30 तो उठते ही भाग गया, ब्रश करके गया था। भूख नहीं लगी तेरे को? 9:30 बज गई है, 9:45 हो गई है, लग रही है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है, देखना पापा को देखो, पापा भी हर हफ्ते में एक बार कटवाते हैं। पापा कुछ कहते क्यों नहीं उनको? आपकी औलाद है, कहो डांटो, डांटो तो सही। यार करवा लो शेव, नहीं करवानी। तो गाइस, तो 10:30 बज चुके हैं और मेहुल खेल के आया था, अपना दूध चाय पी के फिर से चला गया खेलने के लिए, और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी सुबह सुबह संडे है ना, तो लेट हो जाता है सब काम, ब्रेकफास्ट वगैरह का बनाना। तो अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं तरबूज लाया था, तो पहले तरबूज काट दे, आज वो खाएंगे। तो इतना हार्ड है, कट ही नहीं रहा, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, जैसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही कट हो रहा है। अरे हो जा भाई। तो यहाँ पर बन रही है सब्जी, और बनाई है सब्जी पापा ने, तो पता ही है मेरे ससुर जो है वो सब्जी वब्जी बना लेते हैं। यार ये कट क्यों नहीं रहा? सोचा था तरबूज ना लाल लाल मीठा मीठा निकल आए तो ज्यादा ही अच्छा होता, पर ये बहुत ज्यादा लाल नहीं है, ऐवें ही है। तो ये ना सीजन का पहला फ्रूट है, मतलब हर सीजन में जब नया नया कोई फ्रूट आता है ना, तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो मैं इसको फटाफट से कट कर लेती हूँ, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है। अब तो नहीं जाना खेलने? नहाने का क्या सीन है तेरा? नहा लूंगा यार। और आप आज शेव नहीं करा के आए ना? फिर देखिएगा घर में मत घुसने दियो, गेट बंद कर दियो। मैं खोल दूंगा। क्यों खोलेगा? शेव मैं करा खोलूंगा। किस लिए? पापा शेव नहीं करा के आए तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। मैं खोलूंगा, मतलब मेरी कोई चिंता नहीं है। पापा दाढ़ी में अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते, मेरा पति है, मेरे पापा है, मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं जी। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि आज मेरी मम्मी वहां से काम करवा दिया, पापा को संडे को आराम भी नहीं करने देती। तो मैं संडे को मैं ना आराम करूं? अच्छा, अरे पापा तो आराम करने चाहिए, कुछ मत बनाओ, खाली बैठे रहो। बाहर से ऑर्डर करें? हाँ बाहर से ऑर्डर कर लो, तो जाता है थोड़ा सा पास्ता वास्ता ऑर्डर कर लेते बाहर से। शाम को पास्ता बनाएंगे हम, फिर मेरी छुट्टी ना हो ऑर्डर कर लेंगे, पास्ता मंगवाएंगे हम। देखते हैं यार, ये नमक मीटर हो रहा है, तेल लिए बना रहे हैं पापा अभी तो ऑमलेट। ओके ये लो मेहुल, पापा ने आपके लिए एक स्पेशल ऑमलेट बनाया। कैसा ऑमलेट? ओहो छुरी काटे, ऐसे नहीं खाया जाता तेरे से, मास्टर शेफ। दवाई कैसे खाऊं? ध्यान से खा लेना यार, मैं अच्छा बनाती हूँ। पापा पापा हाँ चलो ले जाओ सर, पापा 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 करता रहता है। पापा बुला जाए बनाने की ऑमलेट। पापा बोल दो, ये दाल में पापा अच्छे लगते हैं? मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरे पति है ना? मेरे पापा है ना? तो पहले मेरे पति बने थे ना? पहले मेरे पापा बने थे। शट अप, पहले तेरे पापा बन गए थे?
चुप कर। नहीं जी आप शेव करा के ही आओगे आज। मम्मी को भी अच्छी नहीं लग रही आपकी दाढ़ी। चुप कर। कोई घर पे आ रहा है? कल भाभी तो बोल रही थी क्या हो गया। देवदास 40 रुपए मैं दूं? किस बात के शेव कराने के? 40 में 100 रुपए में शेव होती है। 100 रुपए ले जाओ। नहीं करवानी रे मम्मी, आपको 500 रुपए दे। मैं कर दूंगी घर पे। आपको घर पे भी नहीं करवानी? करवाना मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है? तेरी वैल्यू और किसकी वैल्यू है? सुबह से तेरे 5 मिनट नहीं खत्म हो रहे। तेरा ना ये छुट्टी वाले दिन का यही ड्रामा रहता है, बस सारा दिन ये टीवी में गेम्स देखे जाओ। खड़ा हो जाओ जल्दी से। मैंने लाऊं आज संडे है, मैंने लाऊंगी, मैंने लाऊं। नहीं मैं खुद लाऊंगा। सो गाइस तो 12:30 बज चुके हैं दोपहर के, और मेहुल ने मुझे बोला है कि आज उसे खाना है फलूदा, लेकिन ये अभी बनाऊंगी तो रात को खाने के लायक बनेगा, क्योंकि ठंडा खाने का मजा आता है, गरम गरम खाने में इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको अभी बना लेती हूँ, फिर इसको हम फ्रिज में ठंडा करेंगे और फिर हम रात को सब बैठ के खाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसको कैसे बनाना है, बस ये बहुत इजी है। आपको पता है मुझे ऐसी इजी वाली चीज़ें अच्छी लगती है। बस दूध गर्म करना है, उसके बाद इसका पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देना है, और उसके बाद बॉयल करना है, और उसके बाद ठंडा करके इसको खा लो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ। फटाफट मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। सो गाइस तो यहाँ पर दूध जो है बॉईल हो चुका है, और अब हमें ऐड करना है इस फलूदा मिक्स को। एंड 5 से 10 मिनट इसको पकाने के बाद, मतलब 3 से 4 बॉईल होने के बाद, इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो वर्मिसिली है ना, सेवैयाँ डाली हुई हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो उसकी जो गांठ है वो इसके अंदर रह जाती है। तो इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसको 3 से 4 बॉईल आने के बाद, बस ये आपका जो है फलूदा मिक्स बनकर रेडी हो चुका है। और इसे ठंडा करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। सो गाइस तो मैंने यहाँ पर फलूदा बनने के लिए रख दिया है, तो फलूदा बनने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 3 से 4 बॉयल आएंगे, उसके बाद ये फलूदा रेडी हो जाएगा। और मनु नहाने के लिए चला गया, फाइनली 1:00 तब नहाने गए ही आज छुट्टी वाले दिन, और यहाँ टीवी इसका चल रहा है कि आके देखेगा, बोल के गया बंद मत करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पर मैंने वीडियो जो है अपलोडिंग पे लगाई हुई है फेसबुक के लिए, और अभी आज मैंने सुबह सुबह डांट खाई है कि मेरे कपड़ों का तूने क्या हाल बना रखा है, इसको सेट कर दे। तो आज मैं पहले सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े सेट करती हूँ, क्योंकि ना चाहे मैं 4 दिन में कपड़े सेट करूँ ना, तो 1 हफ्ते के बाद दोबारा से वैसे बिखेर देते हैं, नीचे से निकालेंगे ऊपर के गिरा देंगे। तो मुझे लगता है मुझे ना ऑर्गेनाइज़र, जो क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र है ना, वो मंगवाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो मुझे सेट करने है ना, जब मंगवाऊँगी उसके बाद दोबारा कर लूँगी, नहीं तो फिर दोबारा डांट पड़ेगी कल सुबह। तो जैसे ही मैं काम करने लगती हूँ उसी टाइम बेल बजती है और आता है एक पार्सल। तो चलो पहले सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या आया। बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, तो पहले मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, पहले मैं देखती हूँ क्या आया, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट हो जाती है। इसमें आया कॉलगेट 1 kg का, ये सस्ता मिल रहा था शायद, तभी हस्बैंड ने इसको ऑर्डर कर दिया, मार्केट से सस्ता मिल रहा था, तो मुझे लगा शायद कुछ और आएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करवाई हुई थी, खुद से भी लगाई हुई है कुछ, लेकिन ये आ गया कॉलगेट। सो गाइस तो फलूदा बन चुका है, और इससे टेस्ट भी कराने आई हूँ मैं। गुड, शुक्र है, अच्छा लगा तुझे तो खाते ही जाएगा, शर्म नाम की कोई चीज है नहीं? ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, गुड है, मुझे रोज फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। तो मैं फटाफट जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और तू टीवी बंद कर दे, तू सुबह से टीवी देख रहा है मन्नी। ये ना हो कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए और मैं पीट दूँ तेरे को। यार कर दूंगा मम्मी। नहीं पहले आइस में दवाई डलवा और चल रेस्ट कर। मैं भी कर देता हूँ एक वीडियो के बाद पक्का। मतलब मुझे गुस्सा दिलवाना है तूने? एक वीडियो के बाद कर देता हूँ। शादी भी नहीं गए थे? गए था। फिर कहाँ जाना घूमने?
चल खड़ी हो जा तू यार। हाँ जी? तुम्हारे लिए एक दिन नहीं होता क्या? अभी आए हैं हस्बैंड शॉप से, संडे है तो संडे को जल्दी आ जाते हैं, तो शाम के बज गए हैं 6:15। हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। मेहुल चला गया गाड़ी गाड़ी पे उसके भाई के साथ इसे राउंड काटने, टाइम वेस्ट करने के लिए। पिछली बार भी उन्होंने एक एक्टिवा के साथ ठोक दी थी गाड़ी, कांड हो गया था। आई होप कि आप ठीक से आ जाए। मैंने कहा चले तो गए हैं बच्चे पिछली बार वाले, और को मैंने मना कर रखा है, बन्नो को तो मत भेजा कर यार। यार गलती से हो गई थी पिछली बार। और चाहे गलती आंटी आ गई हो, हमें पता गोठनों में होता उनका दिमाग। ऐसे बोलते हैं और क्या। अब शेव क्यों नहीं कराते हैं? चल अभी आप घूमने जा रहे हो, मतलब मेरे साथ एक दिन नहीं बैठ सकते? चाय चाय भरी जवानी में मेरा बालक बुढ़ा हो गया। यार करा लो शिव, क्या है किसी ने मना किया है? मेरे को सब पता है, मेरे अलावा और कोई नहीं उठ सकता आपको। खाना इसको संडे है तो कुछ चटपट खाना है सुबह का। संडे मेरा फोन गिर गया। फोन गिर जाएगा पापा का, देखो पता कितना महंगा है। तेरी चाप क्या शोर तो? लड़ाई कर रहे हैं दोनों बाप बेटा। भाग यहां से नहीं जाता मैं। सो गाइस, तो आज है संडे और संडे को इसका सुबह से मेरा दिमाग खा रखा था कि मम्मा कुछ मंगवाते हैं, शाम को कुछ मंगवाते हैं, तो हमने मंगवा लिया है रात के लिए अपना स्नैक्स ऑर्डर किया, इसी में ही हमारा पेट भर जाएगा ना। तो हमने क्या मंगवाया मनी तू बताएगा? KFC चा, मतलब KFC का मतलब ये नहीं है कि चिकन है, बिल्कुल वेज है, 100% वेज चाप है, बस KFC स्टाइल में बनी हुई है। गाइस तो ये है हमारी KFC चाप जो कि 100% वेज है। इसके साथ मिली है ग्रीन चटनी, मेयोनीज एंड शेजवान चटनी और अनियन। ये दादू को देखे चिकन लेग पीस नहीं है ये? हाँ है ये, चुका है चिकन लेग। गानों के यार कॉपीराइट आ जाएगा मेरा। इतनी यम्मी लगती है ना, बहुत यम्मी लगती है ना ना चिकन चाप। सो गाइस, तो 9:30 बज चुके हैं, डिनर हमने तो कर लिया, हमने तो वही स्नैक्स ही खा लिया, हमारे तो पेट में बस अब जगह नहीं है। पापा मम्मी के लिए बना दूंगी, अभी पापा मना कर रहे हैं कि अभी नहीं खाना है क्योंकि संडे को वो अपना समझ गए ना, तो वो अभी कह रहे हैं कि मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं अभी वेट करती हूँ, तब तक हम बैठ के टीवी देखते हैं, जो पापा बोलेंगे डिनर बना दूंगी। तो सो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। संडे का दिन ऐसे मस्ती मस्ती में चला जाता है, सबके घर में ही ऐसे होता होगा, कभी कभी होता है मंथ में एक संडे हम बाहर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाते हैं, लेकिन अभी सारे फ्रेंड्स बिजी थे तो अभी नहीं गए। नेक्स्ट संडे देखते हैं क्या प्लान है। सो तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और यही होती है एक हाउसवाइफ की लाइफ, आई थिंक सभी के घर में ऐसे ही चलता रहता होगा, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कभी कभी होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।